हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट शियन गजबीये। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा, इसके उपयोग बताऊंगा, साइड इफेक्ट बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, उपयोग क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, आज मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। तो आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वुडवर्ड ग्रेप वाटर के बारे में कि ये क्या होता है और किस चीज़ में यूज़ होता है, इसको कैसे लेना है। तो दोस्तों, ये एसिडिटी और शिशुओं के लिए सुरक्षित है। ग्रेप वाटर जो है, आप देखे होंगे कि मतलब जब बच्चा रोता है उसको गैस बन जाती है, बच्चे छोटे होते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं तो वो रोते हैं, रोने लगते हैं, तो गैस बन जाती है, एसिडिटी, और कहना चाहिए कि खाना नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता है, जिसके कारण उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो पेट दर्द के कारण क्या है, बच्चा रोने लगता है। तो शिशुओं जो है को तुरंत राहत देने का ये ग्रेप वाटर जो है काम करती है। तो दोस्तों, जब बच्चा, कहना चाहिए कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं उस समय क्या होता है, बच्चे की जो पाचन क्रिया है वो कमजोर हो जाती है उसको, या फिर दस्त लगने लगते हैं, या फिर वो रोने रोना करता है, पेट में दर्द होता है, तो जिसके कारण ये वाटर काम, मतलब जो ग्रेप वाटर है वो पाचन की क्रिया है जो उसको बढ़ावा देती है और सहायता प्रदान करती है, स्वस्थ विकास और सुनिश्चित करती है ये वुडवर्ड वाटर। तो वुडवर्ड जो वाटर है पूरे साल उपयोगी है। तो दोस्तों, वुडवर्ड वाटर जो है पेट का दर्द या फिर कोलिक और कब्ज जैसी परेशानियों को दूर करता है ग्रेप वाटर। तो इसमें मैं जानिए आप कब और कैसे मतलब इनको देना चाहिए, तो इसमें बात करेंगे दोस्तों ग्रेप वाटर के बारे में। शिशु की देखभाल में ग्रेप वाटर, कहना चाहिए कि अहम होता है। इससे बच्चे की जो पेट से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने का मतलब इसमें ग्रेप वाटर जो है परेशानियों को दूर किया जा सकता है ग्रेप वाटर से। तो कहना चाहिए कि शिशु की देखभाल में ग्रेप वाटर बहुत अहम होती है। इससे बच्चे की पेट से जुड़ी कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। नवजात शिशु को पेट और पाचन से संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने के लिए ग्रेप वाटर पिलाई जाती है, और शिशु को ग्रेप वाटर पिलाने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको किसी भी मेडिकल में ये ग्रेप वाटर जो है आसानी से आपको मिल जाएगी, तो इसमें डॉक्टर के जो पर्चे की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। शिशु का पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है, इसीलिए उसे पेट दर्द की परेशानियाँ होती रहती है। ग्रेप वाटर शिशु के लिए उसके उपचार के तौर पर काम करता है। अधिकतर ग्रेप वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट लिक्विड के रूप में और सौंफ, अदरक और कहना चाहिए कि कोमोमाइल के साथ अन्य जड़ी बूटियां होती है। अगर आपका भी नवजात शिशु है तो ज़रा यहाँ जान लें कि ग्रेप वाटर के की मदद से आप उनकी किन किन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ग्रेप वाटर शिशु को पेट दर्द और ऐठन से राहत दिलाने का काम करती है। शिशु का पाचन कमज़ोर होता है, इसीलिए उन्हें आसानी से गैस, पेट दर्द जैसी परेशानियां हो जाती है। हालांकि ग्रेप वाटर पेट दर्द से आराम दिलाता है। आप शिशुओं के लिए ग्रेप वाटर पिला सकते हैं। ये गैस, एसिडिटी और कहना चाहिए कि अपच से तुरंत राहत दिलाती है और पाचन को बढ़ावा देती है। तो ग्रेप वाटर क्या है दोस्तों, जब बच्चे को पेट में दर्द होता है उनका क्या होता है कि कहना चाहिए कि जो पाचन तंत्र है, पाचन जो क्रिया है, शिशु की पाचन क्रिया जो है वो कमज़ोर होती है, तो इस वजह से उनको क्या है, गैस होती है, पेट दर्द होते हैं जैसी परेशानियाँ होती है। ये राहत दिलाने का काम करती है ग्रेप वाटर। ग्रेप वाटर की मदद से शिशु के पेट में बन रही गैस बाहर निकल जाती है, और इसमें मौजूद प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ शिशु में गैस की शिकायत को दूर करने में मदद करती है। ये पाचन तंत्र को ठीक करता है और पेट दर्द से आराम दिलाता है। कई बार शिशु को हम ठोस आहार में कई चीज़ें खिला देते हैं जिससे उसे गैस, एसिडिटी और पेट दर्द हो जाता है। ग्रेप वाटर इन परेशानियों को दूर करता है। कोलिक बेबी के लिए फायदेमंद है ये। जब बच्चा लगातार देर तक रोता रहे तो उसे कोलिक बेबी कहा जाता है दोस्तों। मतलब बच्चा रो रहा है, कई देर तक रो रहा है, तो उस कंडीशन को कोलिक बेबी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, कोलिक बेबी के लिए भी फायदेमंद है। सर, बच्चा पेट में दर्द होने पर इतना रोता है, आप ग्रेप वाटर से कोलिक जो बेबी का इलाज कर सकते हैं।
आप अपने शिशुओं के लिए ग्रैब वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ग्रैब वाटर में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे पुदीना, सौंफ, मतलब अलग अलग चीजों से, जड़ी बूटियों से मिलकर ये बनी होती है, तो ये शिशु के दर्द को तुरंत कम करने में मदद करती है। नवजात शिशु के लिए ग्रैब वाटर एक टॉनिक है जो कोलिक, बेबी और अपच की वजह से दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसके डोज की बात की जाए तो 1 साल से 6 साल के बच्चे को 2.5 से 5 ml की मात्रा में ग्रैब वाटर दे सकते हैं। तो 24 घंटे में 5 बार से ज़्यादा ग्रैब वाटर आप ना दें। बेहतर होगा कि आप शिशु को ग्रैब वाटर देने से पहले डॉक्टर से सलाह कर लें। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि मैं आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।